I've fallen in love with I Love. I love you. Del Bole, wow. Nakul! ये तुम किसकी अग्र पूजा कर रहे हो? प्रिय शिशुपाल, तुम चुप रहो। और तुम ये भी मत समझना कि ये राजे महाराजे, ये महारथियों का पूरा समुदाय तुमसे डर कर तुम्हारे राजसी यज्ञ में आया हुआ है। अरे हम तो ये सोचकर आए थे कि धर्म का अर्थ तुम हम सबसे अधिक जानते हो, इसलिए तुम्हें सम्राट बन जाने दें। परंतु तुमने इस ग्वाली की अग्र पूजा करके सारे राज समाज को अपमानित किया है। शिशुपाल, शिशुपाल, जब एक शब्द भी मुझे निकाला तो जान से मार डालूंगा। भीम, अर्जुन, ये क्या अनुज? शिशुपाल हमारे अतिथि हैं। महाराज ठीक कह रहे हैं भीम भैया। प्रिय अर्जुन, अतिथेय की मर्यादा का उल्लंघन ना करो। तुम बोलते रहो शिशुपाल, क्योंकि ये तुम्हारे ही बोलने का दिन है। अरे बोलूंगा क्यों नहीं, क्या मैं तुझसे डरता हूं? अरे मैं तो ये भी नहीं मानता कि तू मेरे मामा वसुदेव का पुत्र है, और तुझको तो ये स्थान ग्रहण करने का अधिकार ही नहीं है, क्योंकि ये स्थान या तो महर्षि व्यास ग्रहण करें या हस्तिनापुर नरेश धृतराष्ट्र। स्वर्गीय महाराज कंस के दास नंद के पुत्र का मुख्य अतिथि के स्थान पर बैठना सारे राज समाज का घोर अपमान है। शिशुपाल, और ये पितामह बन बैठे भीष्म तो सख्या गए, इनकी आजीवन ब्रह्मचर्य की प्रतिज्ञा भी ढोंग है ढोंग। यदि ये प्रतिज्ञा ना भी करता तो भी ये वीरहीन, ये निस्सहाय, ये नपुंसक ब्रह्मचारी ही रहता। शिशुपाल, महादेव की सौगंध, यदि ये मेरे प्रिय युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ का समारोह ना होता तो मैं तेरी जीभ काट लेता। ये आपका अपमान नहीं कर रहा पितामह, ये मेरा अपमान कर रहा है, इसे बोलने दीजिए। अरे मुझे बोलने के लिए तेरी आज्ञा नहीं चाहिए, समझा? इस नपुंसक ने प्रस्ताव रखा और शापित पांडव के पुत्रों ने झट से उसे स्वीकार भी कर लिया, और ये उचक्का उस स्थान पर बैठ गया जहां बैठने का साहस कोई भी दास पुत्र नहीं कर सकता। क्या ये द्रुपद से बढ़कर तुम्हारा हितैषी है? क्या द्रोणाचार्य और कृपाचार्य से बड़ा आचार्य है? क्या ये दुर्योधन अश्वत्थामा और कर्ण से बड़ा योद्धा है? नहीं, न ये ऋतुज है, न राजा और न आचार्य। तो फिर नंद गांव की गायों का दूध दोहने वाले इस ग्वाली को किस दृष्टि से तुमने पूजा के योग्य मान लिया? आप सुन रही है ना बुआ, अब मैं क्या करूं? शिशुपाल, यदि तो आप भी चुप न हुआ तो तेरी जीभ खींच लूंगा। इसे बोलने दीजिए दाऊ, आप भूल गए कि मैंने बुआ को क्या वचन दे रखा है? 100 अपराधों तक मैं इसे अवश्य क्षमा करूंगा। तुम्हें क्षमा करना हो तो अवश्य क्षमा करो, मैं नहीं कर सकता। इसने पितामह भीष्म का अपमान किया है, इसने बुआ कुंती का अपमान किया है, इसने तुम्हारा अपमान किया है, और तुम यहां खड़े मुस्कुरा रहे हो। मुस्कुरा नहीं रहा हूं दाऊ, गिन रहा हूं। यदि तुम्हें और कुछ कहना हो शिशुपाल तो कह डालो, क्योंकि अभी तुम 3 अपराध और कर सकते हो। अरे तू मुझे क्या डराता है रे मायावी, और तू 3 अपमानों की बात करता है? मैं यही खड़े खड़े 300 बार तेरा अपमान करूंगा, और तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। और तेरा मानी क्या है रे कि तुझे अपमानित करूं? किन, ये हुआ 98, तू एक तुच्छ चोर है। ये हुआ 99, तूने महाराज कंस का नमक खाया और उनका ही वध कर डाला, तू कृतज्ञ भी है। ये हुआ पूरे 100, बोल क्या कहता है तू? बस अब रुक जाओ शिशुपाल। अरे तू तो एक बहरूपिया है जो राजाओं के वस्त्र पहनकर इस सभा में आ बैठा है। Thank you.
आज मैं तुम्हारा ऋणी हो गया द्रौपदी। समय आने पर एक एक धागे का ऋण उतारूंगा। दिया दंड श्री कृष्ण ने किया खंड अभिमान, आंचल चीरे द्रौपदी बांध रही भगवान, बांध रही भगवान। प्रेमांचल में बंध गए दिया वचन फिर आप, इस ऋण के भुगतान को जग न सकेगा माप, जग न सकेगा माप।